नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में किसानों के पास फसलों का बीमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। इस अवधि में किसान बीमा करवाकर अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसल का 31 दिसंबर तक बीमा करवाया जा सकता है। हरियाणा के फतेहाबाद में शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आने से पहले पार्टी कार्यकर्ता चले गए। वे बैठक स्थल पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के लिए लगाई गई अधिकतर कुर्सियां खाली पड़ी थी। डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि स्थापना दिवस रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। वहीं डिप्टी सीएम स्थापना दिवस रैली के लिए बैठक लेने पहुंचे थे। हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ के कस्बा नांगल चौधरी स्थित अनाज मंडी में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी। यूरिया के लिए यहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यहां पर खाद से भरा ट्रक आने के बावजूद भी यूरिया नहीं बांटा जा रहा। हरियाणा के फतेहाबाद में पहुंची सिरसा की भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने शुक्रवार को इनेलो पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इनेलो के कार्यकर्ता लगातार दूसरी पार्टियों में भाग रहे हैं, उनकी तो कार्यकारिणी थी ही नहीं तो भंग क्या करेंगे। वे 3 दिनों तक चलने वाले गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंची थी। केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन में महिला वकील कक्ष व छाया पथ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि आज उन्होंने रेवाड़ी बार में महिला कक्ष का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रेवाड़ी बार एसोसिएशन ने महिला कक्ष बनवाकर एक सराहनीय कार्य किया है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी यानी JNU कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई है। अनिल विज ने शुक्रवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति और व्यापार पर प्रहार किया है, ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। बता दें कि JNU की दीवारों पर 30 नवंबर की रात को ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण जैसा बताने वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध पार्टी के अंदर ही शुरू हो गया है। गुजरात में पार्टी के नेता मुमताज पटेल ने खड़गे के बयान का विरोध किया और लगे हाथ सलाह भी दे डाली। मुमताज ने कहा, नेता अपनी बात कहते समय शब्द सावधानी से चुने क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियों से बचने में ही समझदारी है। बच्चों में लगातार इंटरनेट के इस्तेमाल का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में एक सर्वे के दौरान देश के 40% से ज्यादा पेरेंट्स ने माना है कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया चलाने, वीडियो देखने और ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग चुकी है। इन बच्चों की उम्र की बात करें तो 9 से 17 साल के बीच है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लगातार दूसरे साल कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका कम ही है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्दी ज्यादा नहीं सताएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत ने फ्रीडम ऑफ प्रेस और डेमोक्रेसी से जुड़े सवाल पर कहा कि किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें लोकतंत्र पर क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने कहा, किसी भी देश को यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत को लोकतंत्र पर क्या करना चाहिए। भारत हमेशा से एक लोकतांत्रिक देश रहा है, इसके जड़ें 2500 साल पुरानी है। हमारे पास लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। इसलिए आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।